नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरी टीवी के खास बुलेटिन में। खबरों की शुरुआत करेंगे हरिद्वार से। नामांकन प्रक्रिया जारी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हरिद्वार में नामांकन प्रक्रिया जारी है, जिसमें आज हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित तमाम राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर लगभग 22 नामांकन प्रपत्र हासिल किए, तो वहीं अलग अलग विधानसभा चुनाव के राजनीतिक दल के नेताओं ने 42 नामांकन पत्र दाखिल किए, जिसमें हरिद्वार से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी ने पहले सुबह हर की पौड़ी पर गंगा पूजन किया और उसके बाद जाकर अपना नामांकन दाखिल किया। तो वहीं हरिद्वार से ही आम आदमी पार्टी के संजय सैनी ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर रानीपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर सिंह चौहान, पिरान कलियर से कांग्रेस प्रत्याशी फुरकान अहमद, भगवानपुर से कांग्रेस प्रत्याशी ममता राकेश, भगवानपुर से ही बसपा प्रत्याशी सुबोध राकेश, लक्सर से भाजपा प्रत्याशी संजय गुप्ता, लक्सर से कांग्रेस प्रत्याशी अंतरिक्ष सैनी और खानपुर से निर्दलीय प्रत्याशी एवं पत्रकार उमेश कुमार ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। चुनाव कार्यालय का हुआ उद्घाटन। आज हरिद्वार के पुराना रानीपुर मोड़ स्थित टेबड़ी फाटक के पास भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं वर्तमान में भाजपा प्रत्याशी मदन कौशिक ने पहुंचकर भाजपा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें उनके साथ भाजपा के तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। इस अवसर पर उन्होंने वहां हवन पूजन और आरती भी की, साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को चुनाव में उतरने की और रणनीति बनाने की योजना का भी जिक्र किया और कहा कि भाजपा की रीति नीतियों और जनकल्याणकारी योजनाओं को जाकर चुनाव में प्रसार प्रसार करें। साथ ही हरी टीवी से पूछे गए सवाल में कि कुंभ के कार्यों का विकास कार्य अब तक कैसे चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि कार्य पहले से ही चल रहे हैं और पूरे होंगे। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री भी झोंक रहे हैं ताकत। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय आजकल उत्तराखंड दौरे पर हैं और वे आज हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा सीट पर लोगों से वोट करने की अपील करते हुए नजर आए। वह रानीपुर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत राय के समर्थन में मैदान में उतरे हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने पिछले 20 सालों में उत्तराखंड को लूटा है, ना पानी और ना ही यहाँ की जवानी यहाँ के काम आ रही है, तो आप लोगों के पास तीसरा विकल्प यहाँ सिर्फ आम आदमी पार्टी ही है। जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं बना चर्चा का विषय। उत्तरी हरिद्वार स्थित दुर्गा नगर में एक बैनर आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। क्षेत्रवासियों से बात करी तो पता चला कि कुछ दिनों से रोड खोदी हुई पड़ी है, लेकिन कोई बनाने वाला और कोई सुध लेने वाला नहीं है। हालांकि चुनाव आते ही अब रोड बनाने का कार्य भी चालू हो गया है। वहीं हरिद्वार की और गलियों में भी जगह जगह गलियां खुदी पड़ी हैं, लेकिन उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। खुला बिजली का बॉक्स दे रहा है बड़ी दुर्घटना का न्योता। देवपुरा स्थित भूमिगत विद्युत आपूर्ति बॉक्स का दरवाजा कई दिन से खुला पड़ा है, जो किसी बड़ी दुर्घटना का न्योता दे रहा है, लेकिन बिजली विभाग की तरफ से किसी कर्मचारी को उसकी कोई सुध नहीं है। बारिश के मौसम में या किसी अन्य दिनों में किसी व्यक्ति, बच्चे को या जानवर को उससे चोट लगने या करंट लगने का खतरा है और यह किसी बड़े हादसे को भी न्योता दे रहा है। साथ ही हरिद्वार में हुए कुंभ के कार्यों में भूमि और विद्युत लाइन के ऊपर भी सवाल खड़े इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि अधिकतर बिजली की लाइन जमीन से थोड़ी ही फिट नीचे डाली गई है, जो कहीं ना कहीं मानदंड पर भी सवाल खड़ा कर रही है। अब चलते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों की तरफ। 24 घंटे में उत्तराखंड में मचा भूचाल। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव काफी करीब है और 28 तारीख को नामांकन की आखिरी तारीख भी है, तो वहीं उसी से पहले 24 घंटे में उत्तराखंड की राजनीति में काफी भूचाल मच गया है। भाजपा ने कल देर रात अपने 9 प्रत्याशियों की सूची जारी करी, जिसमें हरिद्वार के झबरेड़ा से मौजूदा विधायक देशराज कनवाल का टिकट भी कट गया है। तो वहीं दूसरी ओर रुद्रपुर से भाजपा के मौजूदा विधायक राजकुमार ठुकराल का टिकट कट गया है, जिसके बाद उन्होंने पार्टी के पद से इस्तीफा भी दे दिया है। वहां से शिव अरोड़ा को टिकट दिया गया है। वहीं कल देर रात कांग्रेस ने भी अपनी सूची जारी करते हुए लगभग 5 सीटों पर प्रत्याशी पलट दिए, जिसमें डोईवाला से मोहित उनियाल की जगह गौरव चौधरी, हरिद्वार के ज्वालापुर से बरखा रानी की जगह रवि बहादुर को टिकट दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर हरीशपुर मुख्यमंत्री हरीश रावत भी अब रामनगर की जगह लाल कुआं से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और सल्ट से रंजीत रावत को टिकट दिया गया है। वहीं आज आम आदमी पार्टी ने भी शाम को अपने 6 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी, जो कि उनकी फाइनल सूची है। तो वहीं आज सुबह उत्तराखंड की राजनीति में काफी फेरबदल देखने को मिले। काफी दिन से नाराज चल रहे किशोर उपाध्याय, जो लगभग 40 साल से कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर कार्य करते आए हैं और पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। सूत्रों के मुताबिक भाजपा उनको टीरी से टिकट देने जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर टीरी से भाजपा के मौजूदा विधायक धन सिंह नेगी ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। अब उत्तराखंड की कोरोना अपडेट। उत्तराखंड में आज कोरोना के 2439 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा देहरादून में 621, उधम सिंह नगर में 311, हरिद्वार में 305, तो वहीं नैनीताल में 250 नए मामले सामने आए हैं। अब चलते हैं खेली खबरों की तरफ। वहीं कल रात खेले गए इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के मुकाबले में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को तीसरे टी20 में 20 रन से हरा दिया,
और वेस्टइंडीज ने सीरीज में 2-1 से बढ़त ले ली है। अब आज रात को फुटबॉल में खेले जाने वाले मुकाबले, साउथ अमेरिका के वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में आज रात को पूर्व वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील का मुकाबला इक्वाडोर से, उरुग्वे का मुकाबला पराग्वे से और अर्जेंटीना का मुकाबला चिली से होगा। ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट www.haritv.in पर विजिट करें। धन्यवाद।